सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं मोदी जी जो भी वादा करते हैं सबका सब झूठ होता है। अरे मोदी जी ने खा मखा 15 लाख देने का वादा कर दिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाएगा। कितने रुपए? झूठ बोलते बोलते अरे टेंशन कहाँ लेते हैं, 24 में भी एक बार जिता दीजिए ना, मिल जाएंगे। अरे वाह, तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं। क्या याददाश्त है साले की? 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पार्टी बदल लिया साला। बस इतना ही मैं? अरे भैया मोदी जी तो आजकल परिवारवाद पे भी ज्ञान दे रहे हैं। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। कसम से यार, झूठ भी मोदी जी को देख के दूसरे रास्ते भाग जाता होगा। कहा कि अगर मोदी जी सिस्टम की इतनी अच्छी सफाई किए हैं तो जैसा बीसीसीआई में किस टैलेंट के बलबूते कार्यरत हैं? देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World. चल बस, लायक है क्या? चल जा, फिर से आड़ी बाड़ी में पढ़ना। भगवान, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज बतियाते हैं हमें कहा का तकलीफ होगा आप सदाचारियों से, आप लोग तो खुद ही कहते हैं। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे, कैसे फंड के नाम पर हमारे हर डिमांड को नकार दिया जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।